हेलो नमस्कार वेलकम श्रीकाल असल गुदाब दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित राणा। दोस्तों एक्टिंग एक्टिंग एक तो होती है जो हाथ पैरों से करते हैं हम, और फेस का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सिर्फ डायलॉग बोलते हैं और हाथ पैरों से एक्टिंग करते हैं, जो कि ओरिजिनल नहीं लगती, रियल नहीं लगती और ओवर एक्टिंग लगती है। सपोज माँ को किडनैप करा हुआ है, गुंडे हैं, मैं जाऊँगा भाग के, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा यार क्या एक्टिंग कर रहा है ये, ओवर एक्टिंग कर रहा है। साफ साफ पता चलेगा ओवर एक्टिंग कर रहा है। एक एक्टिंग होती है आंखों से, मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा पर आंखों से डायलॉग बोल दूंगा। सपोज माँ को किडनैप करा हुआ है, माँ सेंटर पे है, लेफ्ट में गुंडे हैं, राइट में गुंडे हैं। तो पहले मेरी माँ को देखने का मेरे जो फेस एक्सप्रेशन रहेगा, फेशियल जो एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, जो भाव होगा आंखों का वो क्या होगा। मैं आया हूँ, पहले माँ को देख रहा हूँ। माँ ये मैंने डायलॉग बोला है, सपोज मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ माँ को देख रहा हूँ। अब गुंडों को देखने का मेरा भाव क्या होगा आंखों का, तो यहीं पे मेरे भाव पता चल गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। माँ को देखते वक्त मेरे मन में दया है ना, एक भावना है दया की कि मेरी माँ दुख में है। लेफ्ट राइट में गुंडों को देखते हुए गुस्सा है। तो ये हो गई आंखों की एक्टिंग। इस तरह से जब भी हम कोई एक्टिंग करते हैं तो पहले हमको उस कैरेक्टर में जाना जरूरी है। सपोज मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे अपने बॉस से बात करनी है, तो मुझे पता है मेरा बॉस है और मैं एम्प्लॉई हूँ, तो मेरी एक्टिंग का भाव कैसा होना चाहिए, एक्टिंग कैसे होनी चाहिए। सर सर जरूर सर, काम हो जाएगा सर, मैं सर आज इवनिंग तक ये सब काम कर लूँगा सर। तो एक झुकाव है क्योंकि मेरा बॉस है, डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा सॉफ्टनेस है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। माँ माँ तुमने दवाई ली कि नहीं ली। तो एक है मेरा छोटा भाई है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि माँ का ध्यान रखना। एक मैं डांट रहा हूँ पर उसमें एक एक एक, एक वाला नहीं है कि मैं किसी गुंडे से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ का ध्यान रखना, मैंने तुमसे कहा था ना माँ का ध्यान रखना, माँ को दवाई खिलाना। तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन में एक ऐसा नहीं है कि तुम गुंडे से बात करो, मैंने तुझे कहा था ना कि माँ का ध्यान रखना। एक गुंडे से बात नहीं कर रहा हूँ, भाई से बात कर रहा हूँ। तो भाई से बात करते हुए एक ये भी है कि वो मेरा भाई है, तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन जैसा नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना माँ का ध्यान रखना, माँ को दवाई खिलाना, क्यों नहीं खिलाई। तो इस वक्त आप भाई से बात कर रहे हो, घर में भी अगर आप भाई से बात करोगे तो किस तरह से बात करोगे आप। सर मैंने तो कहा था ना, पर आप इस वक्त एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग में आप एक गुंडे से नहीं बोल रहे हो कि मेरी माँ को ध्यान, मैंने तो कहा था ना माँ को दवाई खिलाना, आप अपने भाई से बात कर रहे हो। तो भाई से बात करते हुए आपको क्या रहेगा, छोटा भाई है, गुस्सा भी करना है पर वो आपका भाई है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने तुझे कहा था ना माँ का ध्यान रखना, माँ को दवाई खिलाना, माँ को दवाई क्यों नहीं खिलाई। तुझे पता है ना माँ दवाई टाइम से नहीं लेती है, तो माँ को दवाई क्यों नहीं खिलाई। मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा हूँ, तो एक मन में प्यार भी रहना चाहिए और गुस्सा भी रहना चाहिए। तो भाव को समझना है, भाव को समझना जरूरी है जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो। मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, तो बड़े भाई से, जी भैया जी भैया, मैं शाम तक ये काम कर दूंगा, आप भैया जाओ, आप टेंशन मत लो। तो कैरेक्टर को समझना जरूरी है, सॉफ्टनेस लाउड कब रहना है। जब आप अपने किसी बड़े कैरेक्टर से बात कर रहे हो, आप अपने ऐसे कैरेक्टर से बात कर रहे हो जो आपसे पद में थोड़ा ऊंचा है, तो उस कैरेक्टर से आप थोड़े सॉफ्ट में बात करनी है। आपके जो नीचे कैरेक्टर है उससे सॉफ्ट मत करनी, पर वो अगर वो आपके रिलेशन में है उस कैरेक्टर में, तो उसमें गुस्से में मगर प्यार से थोड़ा लाउड बट प्यार में रहना चाहिए, है ना। जो भाव है थोड़ा प्यार रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए भाव में, फेशियल एक्सप्रेशन में। सब वो जैसे गोविंदा जी का डायलॉग था, वो आंखों से एक्टिंग करते हैं। जैसे उन्होंने कहा, जैसे उनकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई, तो प्रेमिका के पिता उनके पास आते हैं, वो गुस्से में कैसे उठते हैं, आंखों के इसमें देखिए, चिल्लाओ मत। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीर ज्यादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई होती है रुपए के सर्फ और साबुन से, मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तुम्हारी नजर इसके गुंबद तक पहुंचेगी, तुम्हारे कांधे से तुम्हारा सर नीचे गिर जाएगा। तो ये तो रहा उनकी, क्योंकि वो गोविंदा जी डायलॉग बड़ी स्पीड में बोलते थे, उनके डायलॉग पकड़ना इतना आसान नहीं है, उनके डायलॉग पकड़ना इतने आसान नहीं है, पर आंखों से एक्टिंग करते थे। उनके हाथ भी चलते थे, ये भी चलते थे, पर जो स्पीड रहती थी। अब सपोज मैं माँ के बारे में कोई कोई डायलॉग बोलता हूँ, तो माँ के बारे में कुछ माँ की मेमोरी याद कर रहा हूँ, तो अब सॉफ्टनेस रहेगी, अब सॉफ्टनेस रहेगी डायलॉग में। सपोज मैं मेमोरी याद कर रहा हूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मेरी माँ मुझ में हमेशा एक प्रतिभाशाली एक्टर देखती थी।
एक बार स्कूल में एक प्रोग्राम था और माँ बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी। मैं पेड़ बना था पेड़, इवन मेरा कोई डायलॉग भी नहीं था। जब प्रोग्राम हुआ तो माँ को मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा, जबकि मेरा कोई डायलॉग भी नहीं था। इवन मैं उनको दुनिया का सबसे गुड लुकिंग बच्चा लगता था। बेटा था ना, और वो माँ थी, बट उनको हमेशा मुझ में एक बेस्ट एक्टर नजर आता था। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुम्हारा एक्ट सबसे बेस्ट एक्ट लगा। बल्कि कोई डायलॉग ना होने के बावजूद भी, तो पता नहीं क्यों उनको हमेशा मुझ में एक एक्टर नजर आता था। फिर एक दिन वो हम सबको छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। फिर धीरे धीरे उनका विश्वास मेरा भरोसा बन गई, और मैंने दुनिया को और अपने आप को उनकी नजरों से देखना शुरू किया, और आज मैं वो बन गया जो वो चाहती थी। माँ, मेरी प्यारी माँ, आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी सोच में हैं, मेरी माँ। तो ये कुछ भाव होते हैं दोस्तों, जो हमेशा प्रकट करने होते हैं हमें अपनी आंखों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। बहुत ज़रूरी है आंखों से एक्टिंग करना। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया। बाकी मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्टर हूँ बहुत बड़ा या कुछ है, बस मेरा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों आप भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करने से हमें एक दूसरे से कुछ सीखने को मिले। दोस्तों बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।